Hello students, welcome to Study IQ. I am Priyanshi Sood and in today's lecture we are going to talk about the first theory, anthropological theory, that is evolutionism. Now, as I've told you that anthropological theories are of different type. So, first of all, we'll talk about the evolutionism. That ye jo approaches thi anthropology ki kahan se start hui thi, to usme jab hum theories ke bare mein padhte hain, sabse pehli theory aati hai evolution. इवोल्यूशनिज्म के बेसिस पे ही बाकी की थ्योरीज ओरिजिनेट हुई थी. अब इस थ्योरी का हम बाकी थ्योरीज के साथ रिलेशन कि ये थ्योरी एक बेस कैसे सेटअप हुई थी एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स का वो पढ़ेंगे, साथ ही इसके रिलेवेंट जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो जिन्होंने इस थ्योरी पे काम किया था, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर पे काम किया था, कल्चर को स्टडी किया था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मेन इस थ्योरी के साथ उनके बारे में पढ़ेंगे. साथ ही इवोल्यूशन थ्योरी के हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे हम इन दिस लेक्चर. सो लेट्स टॉक अबाउट. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ दिस लेक्चर, दैट जब हम इस लेक्चर को कम्प्लीट करेंगे उसके बाद आपको इस लेक्चर के थ्रू क्या क्या रिजल्ट कंक्लूजन्स मिलेंगे. सो इस लेक्चर के बाद हम इवोल्यूशन के थ्रू कल्चर का कंसेप्ट जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे ओरिजिनेट हुआ था, कैसे फ्लरिश हुआ था इन डिफरेंट सोसाइटीज़, फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न सोसाइटीज़ कैसे वो फर्दर इवोल्यूट हुआ. सो कल्चर का कंसेप्ट क्लियर होगा. साथ ही साथ हम इस चीज़ के जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, इवोल्यूशनरी थिंकर्स हैं, उनके बारे में हम ईजीली समझ पाएंगे. जैसे हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनिस्ट माने जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो विल बी एबल टू राइट अबाउट द शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस इवोल्यूशनरी थिंकर्स. इसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे एंड कल्चर फ्लरिशमेंट की जो भी प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो हम इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने पेपर में. सो लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन टर्म का मतलब क्या है? सो बेसिकली इवोल्यूशन इज दैट प्रोसेस विच कॉजेज द सिस्टेमेटिक चेंजेस. टाइम के साथ जो जो चेंजेस आ रही हैं उस चीज़ को हम इवोल्यूशन वर्ड से डिनोट करते हैं. नो, इवोल्यूशनिज्म इज अ सेट ऑफ आइडियाज और डॉक्ट्राइन कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉपिक इवोल्यूशनिज्म इन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, देन वी टॉक अबाउट द ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ ह्यूमन कल्चर. इस सब जब भी हम इवोल्यूशनिज्म को सोसाइटी या कल्चर की फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम कल्चर का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस तरीके से हम इवोल्यूशन का कंसेप्ट सोसाइटी में अप्लाई करते हैं. अभी तक हमने इवोल्यूशन टर्म जो है वो बायोलॉजिकल टर्म्स में ही पढ़ी है, जो इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, स्पीशीज़ में आ रही है वो हमने बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में पढ़ी है. लेकिन जब हम सोशल कंटेक्स्ट में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हम कल्चरल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं. जो इवोल्यूशनिस्ट थ्योरी है जो हम बायोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ की थी चार्ल्स डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक में. इवोल्यूशन का टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ल्स डार्विन ने किया था. उन्होंने ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यूज़ की थी टर्म. सो उनके काम से इन्फ्लुएंस होते हुए सोशल कंटेक्स्ट में इस टर्म का यूज़ किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने. सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशनिज्म को सोशल कंटेक्स्ट में स्टडी किया था. सो हर्बर्ट स्पेंसर एक ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो इवोल्यूशनिज्म और इवोल्यूशन थ्योरी के मेन प्रोपोनेंट माने जाते हैं. तो जब हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशनरी टर्म यूज़ करी थी सोशल कंटेक्स्ट में तो उनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन का मतलब है कि जो सोसाइटी या कल्चर में चेंजेस आ रही हैं वो हमेशा सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स चीज़ में चेंज होती है. सिंपलेस्ट फॉर्म में फर्दर जब इवोल्यूशन होगा तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ में फॉर्म होगा. उसी तरह से उनका सेकेंड पॉइंट था कि जो भी चेंजेस आ रही हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड थिंग्स से डिफ्रेंशिएटेड थिंग्स में चेंजेस होती हैं. दैट मीन्स हर एक सोसाइटी का पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से डिफरेंट है. हर एक पार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड तो है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है. सो ये उनका सेकेंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट इज
चेंजेस आर कॉजेस फ्रॉम होमोजीनियस पार्ट टू द हिट्रोजीनियस पार्ट. दैट मीन्स जब भी चेंजेस कॉज होते हैं तो जो हिट्रोजीनियस पार्ट्स हैं वो होमोजीनियस से अलग होते हैं. सिमिलर होमोजीनियस होता है सिमिलर, हिट्रोजीनियस होता है डिसिमिलर. सो जो नई रिजल्ट्स बनते हैं चेंजेस के बाद तो वो सिमिलर चीज़ों से अलग होते हैं, हटके होते हैं. सो इन तीन पॉइंट्स के बेसिस पे हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशन को सोशल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया था. सो डार्विन के पॉइंट से इन्फ्लुएंस होके जब हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशन टर्म सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करी तो वहाँ पे उन्होंने तीन मेन पॉइंट्स दिए. दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सेकेंड स्ट्रगल फॉर फूड, एंड द थर्ड इज एलिमिनेशन ऑफ वीक. जो पॉइंट्स सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है टर्म जो हम डार्विन की थ्योरी में पढ़ते हैं वो बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज़ की थी फॉर द फर्स्ट टाइम. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग सोसाइटी में वो लोग जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग फिट हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी एलिमिनेट की कर दिए जाते हैं फ्रॉम द सोसाइटी. दैट मीन्स वो पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसा पोर्शन जो कि कल्चर कॉन्टेक्स्ट कस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकता है, उस कल्चरल एरिया में फिट हो सकता है, वही उस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकता है. अदरवाइज बाकी जो है वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं फ्रॉम दैट सोसाइटी. सो जब हम इवोल्यूशन थ्योरी की बात करते हैं, इवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं, तो ईबी टाइलर और एलएच मॉर्गन दो ऐसे नाम हैं जो हमेशा ही इवोल्यूशन थ्योरी के काम में या इस थ्योरी के साथ जोड़े जाते हैं. इनका काम जो है वो इस थ्योरी के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है बिकॉज़ इन्होंने कल्चर ओरिएंटेशन की बात को स्टार्ट किया था. कंसेप्ट ऑफ कल्चर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं दो प्रोमिनेंट वर्कर्स के काम के ऊपर डिपेंड करता था. अब सबसे पहले हम अगर ईबी टाइलर की बात करें तो उन्होंने प्रिमिटिव कल्चर्स की बात करी थी, जो एंशियंट सोसाइटीज़ के कल्चर थे तो उसकी बात बात की थी. तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ओरिजिनेटिंग कल्चर ओरिजिन की बात करी थी कि कहाँ से कल्चर ओरिजिनेट हुआ और कैसे इवोल्यूट हुआ. प्रिमिटिव कल्चर्स में भी स्पेसिफिसिटी उनकी काम में रिलीजन के ऊपर थी. सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने एंशियंट कल्चर्स के रिलीजन पे फोकस किया था, एंशियंट सोसाइटीज़ का रिलीजन कैसा था उस पे फोकस किया था. सो जब वो अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे थे तो उन्होंने अलग अलग जर्नल्स, एंशियंट टेक्स्ट, इथनोलॉजिकल रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से उन पे काम किया और उनके जो कंक्लूजन निकला कि जो कल्चर सिमिलैरिटीज़ हैं, जो कल्चर में सिमिलर थिंग्स जो देखने को मिली है वो किस रीजन्स की वजह से थी. उनका कंक्लूजन के अकॉर्डिंग दो वो रीज़न हो सकते हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी. एक था कि कल्चर पैरेलली चलता है, कि हर एक सोसाइटी में जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो एक ही तरह से फ्लो करते हैं. दूसरा पॉइंट है कि एविडेंसेस ऑफ कॉन्टैक्ट, कि लोगों का आपसी कॉन्टैक्ट जो है दैट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सो उस बेसिस से जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं वो हर एक सोसाइटीज़ में पाई जाती हैं. नाउ नेक्स्ट एल एच मॉर्गन, लुइस हेनरी मॉर्गन, अनदर इम्पॉर्टेंट सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने सोसाइटी के कल्चर के बारे में बात करी थी इवोल्यूशनिस्ट थ्योरीज के थ्रू. सो इस थ्योरी में उन्होंने एंशियंट सोसाइटी की मेन बात करी थी कि एंशियंट सोसाइटीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, सोसाइटी और कल्चर कैसे ओरिजिन हुआ और कैसे इवोल्व हुआ. तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बात करी दैट व्हाट इज दैट पॉइंट दैट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर. तो इसलिए उन्होंने फर्दर टर्म्स स्टडी करी थी लाइक किनशिप, सोशल स्ट्रक्चर, कि सोशल स्ट्रक्चर किनशिप के बेसिस पे कैसे फॉर्म होता है और सोसाइटी जो है वो एक साथ कैसे रहती है. सो वहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट और दिया था कि जो ह्यूमन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सबसे पहले मैट्रिलिनियल थे ना कि पैट्रिलिनियल. पैट्रियार्कियल फैमिलीज वो होती हैं जहाँ पे मेल डोमिनेंस होती है, लेकिन एल एच मॉर्गन के अकॉर्डिंग एंशियंट सोसाइटीज मैट्रिलिनियल थी, जो कि फीमेल डोमिनेंट सोसाइटीज होती हैं वो थी. उसके बाद में पैट्रियार्कियल जो था वो आया था. सो ये था एल एच मॉर्गन का एंशियंट सोसाइटीज का पॉइंट. इसके बाद बात आती है कि इवोल्यूशन जो है वो दो तरीके से है, क्लासिकल इवोल्यूशन एंड न्यू इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन
इवोल्यूशनिज्म की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की इवोल्यूशन पढ़ी जाती है, क्लासिकल एंड न्यू इवोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिकल और 19th सेंचुरी इवोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड एज विक्टोरियन इवोल्यूशन। सो इस क्लासिकल इवोल्यूशन में यूनिलीनियर इवोल्यूशन जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा प्रिवेलिंग था। यूनिलीनियर इवोल्यूशन का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कल्चर है वो हमेशा एक ही पैसेज जो है अपनाता है, एक ही पैसेज के थ्रू मूव करता है। कल्चरल ट्रेड्स एक ही सीक्वेंस में कंटिन्यू होते हैं और वो जो ट्रेड्स हैं वो अनस्टॉपेबल हैं, वो कॉन्टीन्यूटी में एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में बढ़ते जाते हैं थ्रू सेम पैसेज। दैट मीन्स द 19th सेंचुरी यूनिलीनियर रिवोल्यूशन सजेस्टेड दैट सोसाइटीज वर प्रिमिटिव इन द बिगिनिंग एंड ग्रेजुअली बिकम सिविलाइज्ड। टाइम के साथ जो एंशियंट सोसाइटीज थी वो सिविलाइज्ड हो गई, कल्चरल ट्रेड इस तरह से फ्लो हुए कि वो फ्लरिश होते गए और मॉडर्नाइजेशन वो टाइम के साथ जो है सोसाइटीज में आ गई। सो जब हम यूनिलीनियर इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें एक और पॉइंट ऐड होता है कि जो सोसाइटी के कल्चर में नए ट्रेड्स आ रहे हैं वो हमेशा पुराने ट्रेड से बनते हैं, ओल्डर फॉर्म जो हैं वो रीफॉर्म होके न्यू ट्रेड्स को बनाते हैं जो कि कल्चर में मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट लेके आती है और सिविलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी फॉर्म करती है। सो जब हम इन सोसाइटीज़ की बात कर रहे होते हैं तो टाइलर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, बिकॉज उन्होंने अपने प्रिमिटिव कल्चर में कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन, प्रिमिटिव कल्चर 1871 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने कल्चर और सिविलाइजेशन की बात करी थी। इस बुक में उन्होंने रिलीजन के बारे में बात करी थी, ओरिजिन ऑफ रिलीजन, एंड साथ ही बात करी थी कि कल्चर इज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड ऑल सोसाइटीज हैव पास्ड थ्रू सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सो ओल्डर फॉर्म से न्यूअर फॉर्म में डेवलपमेंट जो है वो हर एक कल्चर सोसाइटी में देखी गई है। उनके अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ रिलीजन जो है उसमें भी डेवलपमेंटल चेंजेस जो हैं टाइम के साथ आई थी। सो जो प्रिमिटिव कल्चर में उन्होंने अपनी बुक में रिलीजन के बारे में बात करी थी तो मेनली तीन टाइप के रिलीजन में की बात करी थी, दैट इज एनिमिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म। नाउ एनिमिज्म इज वर्शिप ऑफ सोल। प्रिमिटिव सोसाइटीज में जो लोग थे वो सोल की वर्शिप करते थे, स्पिरिट्स में भरोसा रखते थे और उनकी वर्शिप करते थे, उनके लिए भगवान स्पिरिट होता था, जो स्पिरिट स्पिरिचुअल थिंग्स हैं उनको वो भगवान मान के उसकी वर्शिप करते थे। देन केम द पॉलीथिज्म, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, दैट इज वर्शिप ऑफ मैनी गॉड। पॉली मीन्स मैनी एंड थिज्म मीन्स वर्शिपिंग, सो मैनी गॉड्स, ये जो वर्शिपिंग हुई ये पॉलीथिज्म आई। उसके साथ टाइम के चलते हुए फिर मोनोथिज्म आई, दैट इज वर्शिपिंग ऑफ सिंगल गॉड। सो ये टाइलर के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी वो ओरिजिन ऑफ रिलीजन में इस तरह से आई थी। इसके बाद लुइस हेनरी मॉर्गन ने अपनी बुक पब्लिश की एंशियंट सोसाइटीज, जिसमें उन्होंने बात करी कि जो सोसाइटीज हैं वो लोअर से हायर फॉर्म में डेवलप हुई टाइम के साथ, लोअर स्टेटस से हायर स्टेटस वाली सोसाइटीज फॉर्म हुई। उनके अकॉर्डिंग सेवेजरी, बारबरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ये तीन टाइप की सोसाइटीज हैं, स्टेजेस हैं जो कि टाइम के साथ साथ डेवलप हुई। सबसे पहले आई सेवेजरी, जहाँ पे लोग जो थे वो ज़्यादातर नेचर पे डिपेंड करते थे अपनी सर्वाइवल के लिए, सो दे वर द हंटर एंड गैदरर्स। सो वो फायर यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे फॉर द सर्वाइवल। उसके बाद आई बारबरिज्म, दैट इज मिडल स्टेज, एंड दे वर ऑल्सो अनसिविलाइज्ड, बट थोड़ा उनको काम धंधा आ गया था, जैसे कि वो पॉटरी वगैरह करने लगे थे, मिट्टी से अपने बर्तन बना के खाना स्टोर करना, तो वो हंटर गैदरर से बेटर आ गए थे, बट स्टिल वो अभी अनसिविलाइज्ड थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज़्यादा समझ नहीं थी। देन केम द थर्ड स्टेजेस एंड द हायर स्टेज, दैट इज़ द सिविलाइजेशन, जहाँ पे लोग अब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए उन्होंने अब मशीनरी का यूज़ किया, एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग किया, टेक्नोलॉजी आ गई। सो ये जो स्टेजेस हैं फ्रॉम लोअर टू हायर, ये उन्होंने एंशियंट सोसाइटीज़ में बात करी और इस तरह से अपना डेवलपमेंट ऑफ कल्चर की जो पॉइंट है वो रखा। सो इसके बाद यूनिलीनियर इवोल्यूशन के लिए
कई सारे क्रिटिसिज्म्स आए, इसको अपोज किया गया, बिकॉज यूनिलिनियर रिवॉल्यूशन का मेन पॉइंट था कि सारी सोसाइटीज एक ही कल्चर फॉलो करती हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट साइकिक यूनिटी. साइकिक यूनिटी जो है, एक कंसेप्ट दिया गया था एडोल्फ बेस्टिन नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, जिसके अकॉर्डिंग हर एक सोसाइटी में सिमिलर तरह के लोग हैं, उनकी सोच भी एकदम सिमिलर है, इस वजह से वो सेम कल्चर को फॉलो करते हैं. लेकिन ये जो पॉइंट है वो फर्दर क्रिटिसाइज किया गया बाकी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका कहना था कि ऐसा नहीं है, हर एक सोसाइटी में हर एक तरह के लोग होते हैं, तो उनकी सोच भी जो है अलग है, इस वजह से कल्चर जो है वो साइकिक यूनिटी के बेसिस पे सिमिलर नहीं है. सो क्रिटिसिज्म ऑफ यूनिलिनियर रिवॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाई डिग्री ऑफ एथनोसेंट्रिज्म. एथनोसेंट्रिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जो अपने कल्चर को स्टडी करो लेकिन दूसरे के कल्चर को भी दिमाग में रख के उस स्टडी करो कि उनका अपना पर्सपेक्टिव है और हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, किसी के कल्चर को हम जज नहीं कर सकते हैं. सो एथनोसेंट्रिज्म की जो हाई डिग्री थी वो यहाँ यूनिलिनियर रिवॉल्यूशन में पाई गई कि हम सारी जगह पे एक ही कल्चरल ट्रेड्स को फॉलो किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं, तो उनकी जो सोच है, उनका जो कल्चर अपनाने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है. इस इवोल्यूशन को, यूनिलिनियर इवोल्यूशन को ओवर एम्बिशियस अप्रोच की तरीके से पढ़ा गया. दैट मीन्स कि हम पास्ट के कल्चर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं अभी के कल्चर को स्टडी करने के लिए, बिकॉज हमें पास्ट के इतने भी रेजिड्यूज नहीं मिले हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि हर एक जो ओरिजिन ऑफ कल्चर था वो ही अभी तक सिमिलर है जो अब का कल्चर है. सो ओवर एम्बिशियस अप्रोच थी. उसके बाद आर्कियोलॉजिकल इम्प्लीमेंट्स वर शैटर्ड, नॉट एवरीथिंग अवेलेबल, कि जो भी हमें रेजिड्यूज मिले हैं उनके बेसिस पे हम एक कम्प्लीटली नहीं कह सकते हैं कि कल्चर जो है वो सिमिलर ही चलता आ रहा है फ्रॉम द पास्ट सोसाइटीज़ टू द प्रेजेंट सोसाइटीज़, बिकॉज आर्कियोलॉजिकल इम्प्लीमेंट्स जो भी हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं. ये हमारी अजम्पशंस होती हैं, उन बेसिस पे हम कोई फैक्ट जो है वो फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं इस टर्म में. सो ये बात हुई यूनिलिनियर इवोल्यूशन के क्रिटिसिज्म की. तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्लासिकल इवोल्यूशन का पूरा हुआ. इसके बाद क्लासिकल इवोल्यूशन के बाद आई थी नियो इवोल्यूशन. सो नियो इवोल्यूशनिज्म का अराइवल हुआ था 1940s में. 1940s के टाइम पे ये इमर्ज हुई थी और मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ नियो इवोल्यूशनिज्म वर मेनली अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, दैट इज लेस्ली ए वाइट, जूलियन एच स्टीवर्ड एंड वी जी चाइल्ड. सो इन तीन प्रोपोनेंट्स का नाम जो है नियो इवोल्यूशनिज्म के साथ हमेशा जोड़ा जाता है. सो इनका कंसेप्ट, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कल्चर है वो टाइम के साथ एडवांस होता जा रहा है, बिकॉज टाइम के साथ लोग एडवांस हो रहे हैं, उनकी नॉलेज एनहांस्ड हो रही है, और उसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी और एनर्जी का कंबाइंड यूज़ कर रहे हैं फॉर द कल्चरल एडवांसमेंट. और न्यू इवोल्यूशन को कंसिडर किया जाता है एज एडवांस कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशन, कि क्लासिकल इवोल्यूशन में जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो कल्चरल ट्रेट हैं वो सिमिलर तरीके से फॉलो होते जाते हैं हर एक सोसाइटी में, लेकिन न्यू इवोल्यूशनिज्म के अकॉर्डिंग जो कल्चर है वो डाइवर्जेंट है. हर एक सोसाइटी में हर एक सोच का लोग होते हैं, उस अकॉर्डिंग वो अपना कल्चर पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं. सो न्यू इवोल्यूशनिज्म में एडवांसमेंट ऑफ कल्चर की बात की है. नाउ मूविंग ऑन, न्यू इवोल्यूशनिज्म थ्योरी में मार्शल साहलिंस एंड एलमन सर्विस, जो कि स्टूडेंट्स भी रहे हैं और कुलीग भी थे लेस्ले वाइट एंड जूलियन स्टीवर्ट के, सो उनके अकॉर्डिंग, उनका जो कंबाइंड व्यू था उस अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है वो दो तरीके की है, एक स्पेसिफिक एंड दूसरी जनरल इवोल्यूशन. स्पेसिफिक इवोल्यूशन मीन्स कि जो नई फॉर्म्स हैं कल्चर की वो ओल्ड फॉर्म्स से बनती हैं. दिस डाइवर्जेंस एंड अडेप्टेशन इज नोन एज स्पेसिफिक इवोल्यूशन, जबकि जर्नल इवोल्यूशन रेफर्स टू सोसाइटी जहाँ पे हायर फॉर्म जो है वो लोअर फॉर्म से अराइज होती है. सो दिस इज जर्नल इवोल्यूशन. सो न्यू इवोल्यूशनरी जब भी इवोल्यूशनिज्म जब भी हम पढ़ते हैं तो ये नाम भी इस थ्योरी के साथ जोड़े जाते हैं.
मूविंग ऑन, न्यू इवोल्यूशनिज्म के साथ यूनिवर्सल एंड मल्टी लीनियर इवोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा जाता है। सो यूनिवर्सल इवोल्यूशन में लेस्ले वाइट एंड वीजी चाइल्ड ने एक कंसेप्ट पढ़ा था इवोल्यूशन का एज अ प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि कल्चर एडवांसमेंट जो है वो एनर्जी और टेक्नोलॉजी के कम्बिनेशन से बढ़ती जा रही है। एनर्जी का कैसे यूज़ किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी को कैसे फर्दर एनर्जी के साथ कंबाइन करके कल्चरल एडवांसमेंट्स में फोकस किया जा रहा है। सो वाइट जो थे, लेस्ले वाइट, उन्होंने फोकस किया था कि एनर्जी कैसे यूज़ की जा रही है फॉर द कल्चरल डेवलपमेंट, और साथ में चाइल्ड ने फोकस किया था टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में। तो उनका जो कंबाइंड आइडिया था वो ये निकल के आया था कि कल्चर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी, एनर्जी और टेक्नोलॉजी आपस में कंबाइन करके कल्चर एडवांसमेंट फॉर्म कर रही है। ये जो कंसेप्ट था लेस्ले वाइट और वीजी चाइल्ड का, इस कंसेप्ट को यूनिवर्सल इवोल्यूशन कहा गया था बाय द जूलियन स्टीवर्ट। जूलियन स्टीवर्ट इस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड नहीं थे, लेकिन उनके इस कंसेप्ट को उन्होंने यूनिलीनियर यूनिवर्सल इवोल्यूशन का नाम दिया था। जूलियन स्टीवर्ट जो थे वो इनके काम के साथ एग्री नहीं करते थे। लेस्ले वाइट और वीजी जो चाइल्ड ने जो ये कंसेप्ट दिया था उसके साथ वो एग्री नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने एक और टाइप की इवोल्यूशन के बारे में बात करी, दैट इज़ मल्टी लीनियर इवोल्यूशन। मल्टी लीनियर इवोल्यूशन जो है पर्टिकुलर कल्चर्स के बारे में स्टडी कर रहा था और ये 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। मल्टी लीनियर इवोल्यूशन ने 20th सेंचुरी में 19th सेंचुरी की इवोल्यूशन को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया था। नाउ जूलियन स्टीवर्ट की मल्टी लीनियर इवोल्यूशनिज्म के अकॉर्डिंग जो कल्चर है वो टाइम के साथ चेंज होता है। उन्होंने पर्टिकुलर कल्चर्स को स्टडी किया और उसमें से ये कंक्लूड किया कि वहाँ पे कल्चर जो है स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा है बल्कि पैराबोलिक कर्व फॉलो कर रहा है। पैराबोलिक कर्व से मतलब है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, वहाँ पे उसको कुछ चेंजेस मिल रहे हैं, देन बैक वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है। तो अब ओरिजिनल फॉर्म में आने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कल्चर चेंजेस जो हैं वो सिमिलर थे। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चेंजेस हर एक स्टेजेस में आने की वजह से कल्चर डिसिमिलैरिटीज आ रही थी। सो कल्चर इज़ फॉलोइंग अ पैराबोलिक कर्व अकॉर्डिंग टू द मल्टी लीनियर इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ द जूलियन स्टीवर्ट। सो वी कैन से दैट देयर आर फोर टाइप ऑफ इवोल्यूशन: यूनिलीनियर, मल्टीलीनियर, यूनिवर्सल एंड डिफरेंशियल। यूनिलीनियर इवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि सोसाइटीज ऑलवेज गोज थ्रू द सेट ऑफ स्टेजेस, पर्टिकुलर स्टेजेस के थ्रू ही सोसाइटीज में जो है मूव ऑन होता है कल्चर का। एक ही पैटर्न में जो कल्चर है वो फ्लो करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, दैट इज हर एक सोसाइटी में एक ही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, दैट इज फॉरेजिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। सो फॉरेजिंग, हंटिंग, गैदरिंग, उसके बाद हॉर्टिकल्चर आता है, एग्रीकल्चर आता है। तो सारी जो सोसाइटीज हैं वो सेम ही कल्चर पैटर्न फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट कम्स द मल्टी लीनियर इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सोसाइटीज अडॉप्ट डिफरेंट इवोल्यूशनल स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट एंड टेक्निक ऑफ सब्सिस्टेंस। सो मल्टी लीनियर इवोल्यूशन में चेंजेस आते हैं बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज एंड डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं। यूनिवर्सल इवोल्यूशन, दैट इज चाइल्ड और वाइट के अकॉर्डिंग एनर्जी और टेक्नोलॉजी के कम्बिनेशन से कल्चरल एडवांसमेंट हो रही है हर सोसाइटीज में। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशियल इवोल्यूशन। डिफरेंशियल इवोल्यूशन जो है वो आर एल कार्नियो एंड एस एफ टोबियास इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा प्रपोज की गई थी, और इनका कहना था कि इवोल्यूशन हर एक सोसाइटी में होती है, कल्चरल चेंजेस हर एक सोसाइटीज में आ रही है और वो डिफरेंट रेट से वेरी कर रही हैं। सबका रेट जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से कल्चरल वेरिएशंस होती हैं सोसाइटी में। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन दैट वी हैव स्टडीड इन दिस कंसेप्ट इवोल्यूशनिज्म। नेक्स्ट कम्स द
कि नियो इवोल्यूशन जो है उसको पर्टिकुलरली एक थ्योरी नहीं कहा जाता, जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है उसको हम थ्योरी कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस हैं, फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम उसको थ्योरी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन नियो इवोल्यूशन को थ्योरी से ज़्यादा हम मेथडोलॉजी बोलते हैं, बिकॉज मेथडोलॉजी में हम एक सीक्वेंस देखते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे नियो इवोल्यूशनिज्म के थ्रू हमने ये स्टडी किया कि कल्चर कैसे काम करता है, कल्चर कैसे ओरिजिन होके फ्लरिश हुआ, इवोल्यूट हुआ, कैसे उसमें एडवांसमेंट आई। तो यहाँ पे हम कल्चर का काम चेक कर रहे हैं। तो मेथडोलॉजी इसको न्यू इवोल्यूशनिज्म को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू द थ्योरी बिकॉज ऑफ द मेनी रीजन्स, लाइक बिकॉज न्यू इवोल्यूशन के थ्रू हम ये पढ़ रहे हैं कि जो कल्चरल एडवांसमेंट आ रही है उससे कल्चर में चेंजेस आ रही हैं, कल्चर में रेगुलरिटीज बनी हैं। साथ ही हम ये पढ़ रहे हैं कि न्यू इवोल्यूशन डील करता है फॉर्म्स, फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ कल्चर, कि पहले कल्चर कैसा था, अब कल्चर कैसा है। तो वो सीक्वेंस को स्टडी कर रहा है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चर को स्टडी कर रहा है। तो ये न्यू इवोल्यूशनिज्म जो है वो कल्चर के काम को स्टडी कर रहा है कि कल्चर कैसे वर्क कर रहा है सोसाइटीज में। इसके बाद पॉइंट आता है कि थ्योरी इज समथिंग जिसके पास एक स्पेसिफिसिटी होती है, जिसका जो फैक्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यू इवोल्यूशनिज्म की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कल्चर की। हम उसको स्टडी जब कर रहे हैं तो हर एक कल्चर का अलग एक सिस्टम है जिसके बेसिस पे हम एक थ्योरी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी वी डोंट कंसिडर न्यू इवोल्यूशन एज थ्योरी। नाउ वी हैव स्टडीड दैट कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है। न्यू इवोल्यूशन में हमने ये पढ़ा कि कल्चरल एडवांसमेंट की वजह से कल्चर वेरी करता है। सो कल्चर इज डायनेमिक, और जो सो न्यू इवोल्यूशनिस्ट जो हैं वो यहाँ पे क्रॉस कल्चरल सिमिलैरिटीज, डिफरेंट कल्चर की जो सिमिलैरिटीज हैं उनको स्टडी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वो चेंजेस को ही स्टडी कर पा रहा है जो टाइम के साथ वहाँ आ रहे हैं। इस बेसिस पे हम इसे थ्योरी नहीं बोल सकते हैं। सो इन ड्रॉबैक्स के बेसिस पे हम न्यू इवोल्यूशन को सिर्फ मेथडोलॉजी कंसिडर करते हैं एंड नॉट एज अ थ्योरी। सो दिस वॉज अबाउट द न्यू इवोल्यूशनिज्म। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज इवोल्यूशनिज्म। इन दिस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर एंड हाउ इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। सो वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशनिज्म, दैट इज क्लासिकल एंड न्यू इवोल्यूशनिज्म, डिफरेंट प्रोपोनेंट्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी द मेजर पार्ट ऑफ द इवोल्यूशनिज्म थ्योरी। So this is all about today's lecture. Next time we'll come up with the next new interesting theory of anthropological thought. Tab tak ke liye, thank you so much and stay tuned.